हाँ, एक मेरा केवाईसी करना था तो हो जाएगा पेटीएम का? हेलो हेलो, हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा एज अभी 17 है तो हो जाएगा ना? 17 है मेरा एज। तो हेलो गाइज, कैसे आप सब? दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट क्रिएट। जहाँ दोस्तों, आपको याद होगा आज से 4 महीने पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, कि वो दोस्तों अब नया अकाउंट नहीं खोल सकता। लेकिन दोस्तों, अभी भी पता नहीं, ये कंफर्म नोटिस आया ही नहीं है कि बाद में फिर जाके आरबीआई ने वापस से अनबैन किया था कि नहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, कि वो दोबारा अकाउंट खोल पाए। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम था, उसके वजह से पेटीएम को बैन कर दिया गया था कि वो अब नया अकाउंट नहीं खोल पाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, अभी के टाइम पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में माइनर अकाउंट क्रिएट हो पाता है या नहीं। दोस्तों, दोनों ट्राई करने वाले हैं, ऑनलाइन भी ट्राई करेंगे और ऑफलाइन भी ट्राई करेंगे कि क्या ऑफलाइन में क्या होता है, वाकई में क्या माइनर अकाउंट खोल पाते हैं नहीं, ट्राई करने वाले हैं ऑफलाइन में। और ऑनलाइन तो हमारे पास है ही, हमारे पास तो फोन है ही, तो ऑनलाइन हम ट्राई करने ही वाले हैं फोन में। तो चलते हैं उस फोन के स्क्रीन पर, देखते हैं कि हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक में माइनर अकाउंट खोल सकते हैं कि नहीं। सो गाइस, हम आ चुके हैं फोन के स्क्रीन पर, खोल लेते हैं अपना। सबसे पहले ये ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे पेटीएम बैंक का, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं हम और यहाँ पे करते हैं ओपन योर सेविंग अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पे दोस्तों, हमें 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करना, तो यहाँ पे सेट कर लेते हैं। हम कोई नंबर सेट कर सकते हैं, दो बार डालना आपको, कंफर्म कर लेना एक बार। और यहाँ पे हमें देना लोकेशन परमिशन, तो यहाँ पे हम देते हैं उसे और यहाँ पे हम करते हैं ओके, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमें अभी नॉमिनी ऐड नहीं करना, तो करते हैं यहाँ पे हम आई विल डू इट लेटर और दो कंसेंट देख के यहाँ पे करते हैं प्रोसीड। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, हमें करना पड़ेगा सबसे पहले मिनिमम केवाईसी, जो कि होता है वॉलेट केवाईसी। और दोस्तों, यहाँ पे मैं 2-3 बार ट्राई करता हूँ, एक बार मैं ट्राई करता हूँ आधार कार्ड देके, उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ पैन कार्ड देके। लेकिन दोस्तों, एक पता नहीं क्या दिक्कत है, ये हो ही नहीं रहा है। हाँ दोस्तों, मैं ये तो मैं फेक वाला यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं 2-3 बार मैंने ओरिजिनल यूज़ किया था और उसके बावजूद यहाँ पे पेटीएम वॉलेट केवाईसी हो नहीं रहा है। मैंने बाद में पता चला कि मुझे दोस्तों कि अभी ये वॉलेट केवाईसी हो नहीं रहा। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी वगैरह आता है उसके बाद, लेकिन दोस्तों फेल हो जाता है। मैं दिखाता हूँ अगर आपको, तो यहाँ पे दोस्तों ओटीपी आता है, मैं करता हूँ कन्फर्म। उसके बाद दोस्तों, ये देख सकते, पता नहीं कुछ दिक्कत चल रहा था पेटीएम, उसके वजह से वॉलेट के वैसे हो ही नहीं पा रहा है, एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है पेटीएम वॉलेट। और दोस्तों, उसके बाद मुझे बाद में पता चलता है कि दोस्तों पेटीएम वॉलेट जो है वो अभी काम ही नहीं कर रहा है। मतलब पेटीएम वॉलेट का जो है वो अभी नया वॉलेट ओपन नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या इसका प्रॉब्लम है कि नया वॉलेट लोग ओपन ही नहीं कर रहे। तो दोस्तों, कुछ बात करते हैं CFC वालों से। हाँ, ये केवाईसी करते हैं आप पेटीएम का? हम रांची से बोल रहे हैं। नहीं, पहले से नहीं किया हुआ है, मेरा आधार कार्ड से लिंक नहीं है मोबाइल नंबर। नया नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा भाई। अच्छा, पहले होता था, मतलब मेरा उम्र भी 18 साल से कम है तो हो जाएगा? हाँ, एक मेरा KYC करना था तो हो जाएगा पेटीएम का? हेलो हेलो, हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा एज अभी 17 है तो हो जाएगा ना? 17 है मेरा एज। हेलो हेलो, हाँ बोलिए जी। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मेरा एज अभी 17 है तो हो जाएगा ना? 18 प्लस होना चाहिए ना। आपका न्यू अकाउंट खुलवाना है? जी हाँ, न्यू। न्यू नहीं बनेगा? ओ, क्यों नहीं बनेगा? 4 महीना पहले RBI ने बंद कर रखा है। और इसे KYC हो जाएगी। और इसे क्या है, मिनिमम एज क्या है इसका? क्या इसका मिनिमम एज क्या है कराने के लिए KYC? 18। तो जी ठीक है। तो सो गाइस, अभी फाइनल कंक्लूजन ये निकलता कि दोस्तों पेटीएम का अभी दोस्तों अकाउंट क्रिएट हो ही नहीं रहा है। मतलब अभी दोस्तों पेटीएम न्यू अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहा है, बस पुराना ही अकाउंट चल रहा है पेटीएम का। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग छोड़ दें यार अभी पेटीएम, मतलब पेटीएम शायद अभी अनबैन नहीं हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक अभी अनबैन नहीं हुआ है। हो सकता है बाद में अनबैन हो जाए, लेकिन अभी तक तो अनबैन नहीं हुआ है। बाद में हो सकता है अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाए, अभी तक तो अकाउंट क्रिएट ना नहीं हो रहा है। प्लस उसका जो वॉलेट के वैसे वो भी नहीं हो रहा है, पेटीएम नया वॉलेट एक्टिवेट नहीं कर रहा है और ना ही नया बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहा है पेटीएम। तो सही बस था कंक्लूजन टोटल वीडियो का। आप लोग वीडियो को लाइक करो, अभी तो नहीं खुल रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट। आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।